तो ये वर्ड है फ्लक्स, ठीक है। तो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में भी ये फ्लक्स, कई बार द टर्म फ्लक्स इज़ यूज, पीपल यूज़ इट, ठीक है। जैसे हम कहते हैं लिटरेचर वगैरह में पोइट्स या ऐसे राइटर्स इसको यूज़ करते हैं फ्लक्स। तो कई बार जैसे हम ये टर्म यूज़ करते हैं फ्लक्स ऑफ टाइम, ठीक है, विच बेसिकली मीन्स दैट टाइम फ्लोज फ्लोज, ठीक है ना। तो फ्लो मतलब फ्लक्स का एक रफ मीनिंग ऐसे होता है, इट इज़ लाइक अ फ्लो, ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं कि आउट फ्लक्स ऑफ समथिंग, जैसे पानी अगर फ्लो कर रहा है किसी पाइप से, तो हम कहेंगे देर इज एन आउट फ्लक्स ऑफ वाटर फ्रॉम द पाइप, ठीक है, ऐसे कुछ। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या फ्लो करता है, तो आप एक बार देखो, जैसे हमने कई बार लाइक अगर हम एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेते हैं, तो इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ की थी, तो वो इस तरीके से ड्रॉ की थी। और भी काफ़ी सारी फील्ड लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। तो इट सीम्स लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फ्लोइंग आउट ऑफ दिस पॉइंट चार्ज, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस असली में तो कुछ होते ही नहीं है। देर इज़ नथिंग, नो सच थिंग एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये तो सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का तरीका है, उसको विजुलाइज करने का तरीका है, कि अगर हम सपोज कोई भी पॉइंट यहाँ पे चूज़ करते हैं, लेट से यहाँ पर, तो हमें मालूम है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये वाइट वाली लाइन है इसके साथ टेंजेंट आएगी, ठीक है, और यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग होगी, यहाँ पे फील्ड वीक होगी। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जस्ट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर नॉट फॉर रियल, असली में ये कुछ नहीं होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो ये फ्लक्स कहाँ से आएगा, ठीक है, तो इसके बारे में सीखते हैं। तो बेसिकली जो फ्लक्स का सबसे अच्छा तरीका समझने का, वो एक मैथमेटिकल वे है। इसको वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ मैथमेटिकल वे। सो लेट अस ट्राई टू सी व्हाट ये मैथमेटिकल वे का मतलब क्या है। तो इसके लिए पहले हमें एक टर्म सीखनी पड़ेगी जो इस टॉपिक में हम यूज़ करते हैं। व्हेन वी स्टडी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी इम्प्लॉय अ टर्म, वी कॉल दैट टर्म एज अ गॉसियन सरफेस। ये टर्म हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली गॉसियन वर्ड गॉस से बना है, कार्ल गॉस, ठीक है, जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था। तो उसने ये थ्योरम स्टार्ट ऑफ की थी, ठीक है, जो अभी हम पढ़ेंगे अभी इस टॉपिक में इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ना होगा आपको। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दैट देर आर टू बेसिक थ्योरम्स, ठीक है, रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वन इज़ द कूलम्स लॉ एंड दी अदर इज़ गॉस थ्योरम, ठीक है। ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। तो ये गॉसियन सर्फेस पहले आपको सीखना है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट गॉसियन सर्फेस इज अगेन एन इमेजनरी सर्फेस, इट इज़ नॉट सम, क्योंकि इट इज़ द रियल सर्फेस को हम गॉसियन सर्फेस कहेंगे। कोई इमेजनरी सर्फेस होता है, जैसे अगर कहीं पर भी कोई चार्जेज है, जैसे ये एक सिचुएशन है, चार्ज है ये। अगर हम यहाँ पर कोई भी एक सर्फेस इमेजिन करें, किसी भी शेप का, एनी शेप, ठीक है, तो किसी भी शेप का कोई सरफेस इमेजिन करना है, असली में कुछ रखना नहीं है यहाँ पे। यू डोंट हैव टू प्लेस अ शीट ऑफ रबर और इंसुलेटिंग और कंडक्टिंग शीट, ऐसे कुछ नहीं करना। मान लो ये ऐसे कोई भी एक इमेजिनरी सरफेस है, इसका हम कुछ भी नाम रख देते हैं, लेट से एस। सो देन दिस इज कॉल्ड एज अ गॉसियन सरफेस। इस टॉपिक में एक इमेजिनरी सरफेस को गॉसियन सरफेस बोलते हैं, ठीक है। एट टाइम्स अ गॉसियन सरफेस कैन बी ओपन ऑल्सो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन वी स्टडी अबाउट इन दिस चैप्टर, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो गॉसियन सरफेस है हम ड्रॉ करेंगे वो क्लोज्ड होंगे। अब जैसे ये ओपन सरफेस है, ठीक है, सो व्हाट इज़ अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। तो आप देखो, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज अ सरफेस जिसके लिए हम एक इन और एक आउट इमेजिन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक अगर हम एक शू बॉक्स को इमेजिन करें, तो शू बॉक्स का अगर जो लिड है, वो ढक्कन जो है उसका, अगर वो बंद है, सपोज लिड इज़ क्लोज, ठीक है, ये ढक्कन उसका बंद है, तो वो रेक्टेंगुलर शेप या क्यूबॉइडल शेप बोल सकते हैं इसको। तो ये अभी एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे सर्फेसिस जो हैं वो क्लोज्ड है, ठीक है। तो दिस इज अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो वी कैन हैव एन ओपन सरफेस और अ क्लोज सरफेस। तो अब ये पॉइंट है, ये हमने क्लास इलेवंथ में एक बार टच अपॉन किया था, लेकिन अभी ट्वेल्थ में इसको हाईलाइट करते हैं, ठीक है। तो देखो, जो फिजिक्स में ना फिलोसफिकली समझना अलग चीज़ होती है, और आपको अपने पर्पज़ के लिए सीखने के लिए थोड़ा सा अलग होता है। तो जैसे अब हम बोलते हैं ना कि लाइक व्हेन जनरली वी टॉक अबाउट, ये इलेवंथ में आपको बताया था कि जैसे फिजिक्स में एरिया को हम एक वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं, वी ट्रीट एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी। डेली लाइफ में हम इसको वेक्टर की फॉर्म में नहीं ट्रीट करते, बट इन मैनी मैनी टाइम्स व्हेन वी यूज़ एरिया इन फिजिक्स, फिजिक्स की एप्लीकेशंस में, इट इज़ बेटर इफ़ वी असाइन अ डायरेक्शन ऑल्सो टू द एरिया, ठीक है। तो लाइक अगर ये ओपन सर्फेस है, सपोज ये सर्फेस ऐसे है, तो अब इसका ये जो एरिया आएगा, ठीक है, सपोज ये कुछ भी एरिया, लेट्स से 10 मीटर स्क्वायर या 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी, तो हाउ डू वी रिप्रेजेंट दिस एरिया बाय अ वेक्टर, ठीक है। तो अब इसके लिए थोड़ा सा समझते हैं। तो इसमें दो तीन केसेस लेके हम समझते हैं। लाइक अगर सपोज पहले आप एक, ये तो ऐसे कर्व्ड सरफेस है, तो पहले मैं आपको ईजी केस बनाता हूँ। लेट सपोज कि आपके पास एक रिक्टेंगल है, ठीक है, और इसको हम एरिया वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सपोज एक रिक्टेंगल है, ऐसे रख दिया मैंने, यहाँ पर रिक्टेंगल इमेजिन किया, इसकी कुछ लेंथ और ब्रेथ आएगी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो इसका एरिया तो आप बड़ा इजीली आप निकाल सकते हो, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये तो मैंने आपको जैसे बताया, डेली लाइफ में वी डोंट ट्रीट एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट व्हेन यू स्टडी अबाउट इन फिजिक्स, देन वी ट्रीट एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी।
तो इस एरिया को रिप्रेजेंट करने वाली जो एरिया वेक्टर आएगी वो कैसे बनती है? तो जो ओपन सर्फेसिज हैं उनमें मैं पहले बता रहा हूँ आपको कि एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो एक तरीका तो यह है कि जो भी आपको गिवन सर्फेस है, अगर हम जनरल सोचें, जैसे जो इसके से भी मेथड अप्लाई करेगा, इसके लिए भी मेथड अप्लाई करेगा, तो पहले हम जनरल सोचते हैं। तो जो एरिया की एरिया वेक्टर आपको ड्रॉ करनी है, उस एरिया को आप स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर दो। मतलब ऐसे हम लाइंस अगर इसमें इमेजिन करें कि हमने लगा दी हैं बहुत सारी रूल, और फिर ऐसे भी लगा दिए हैं, तो यहाँ पे अगर हम एक इमेजिन करें कि ये जो चीज़ आएगी, दिस स्मॉल पार्ट, ठीक है, ये एक स्मॉल स्क्वेयर या रेक्टेंगल कुछ भी ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इट इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ एरिया। अगेन सिंस इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली लाइक अ रेक्टेंगल, तो इसकी भी लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे हम, ठीक है। तो अब पहले हम ये जो स्मॉल एरिया, इसकी एरिया वेक्टर बनाते हैं। लेट्स ड्रॉ द एरिया वेक्टर फॉर दिस। तो इसकी एरिया वेक्टर ऐसे बनेगी, ठीक है। एरिया वेक्टर हैज़ टू बी परपेंडिकुलर टू दिस एरिया। जो ये स्मॉल एरिया हमने लिया है, ये जो मैंने स्मॉल शेड किया बेटा रेक्टेंगल, इस स्मॉल रेक्टेंगल की जो एरिया वेक्टर आएगी वो इसके नॉर्मल आएगी, इसके परपेंडिकुलर आएगी। तो अगर ये वाला एरिया है लाइक दिस, तो इसकी एरिया वेक्टर ऐसे बन जाएगी। इट हैज़ टू बी परपेंडिकुलर, तो वो ऐसे बन जाएगी इस तरीके से नॉर्मल, ठीक है। मतलब अब नॉर्मल दूसरी तरफ भी हो सकती थी, दिस कुड हैव बीन ऑन दी अदर साइड ऑल्सो, ऐसे नॉर्मल कुड हैव बीन अदर साइड ऑल्सो। सो विच ऑफ देम इज़ करेक्ट? तो इस हाँ, अब जो ये छोटा सा एरिया है, सपोज ये जितना भी है, लेट्स से कई बार स्मॉल एरिया को हम ऐसे बोलते हैं ना, ये स्मॉल एरिया को हम डी ए मान लेते हैं, और डी ए वैसे ही है, डी ए इज इक्वल टू दिस लेंथ इन टू ब्रेथ। सपोज ये स्मॉल लेंथ है डी एक्स, ये स्मॉल लेंथ है डी वाई, तो डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी वाई, ये इसका एरिया आ जाएगा। तो ये जो मैंने एरिया वैक्टर बनाई है, इन दोनों में से किसी भी एरिया वैक्टर को हम किसी भी वैक्टर को हम चूज़ कर सकते हैं इसके एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। बोथ आर इक्वली करेक्ट। तो या तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे, ये मैटर नहीं करेगा आप एरिया वेक्टर ये लें या ये लें, ठीक है, या फिर आपको दिया होगा कि आप एरिया वेक्टर को इस तरफ ले लो, ठीक है। तो ओपन सर्फेसिस से जनरली आपको डील नहीं करना पड़ेगा, इवन इन मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मोस्टली ओपन सर्फेसिस नहीं आएंगे जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको एरिया वैक्टर को चूज़ करना है, सो बोथ चॉइसिस ऑफ एरिया वैक्टर आर करेक्ट। द ओनली कंडीशन इज वैन यू हैव अ फ्लैट सर्फेस लाइक दिस, ये कर्व्ड सर्फेस है, हैं दोनों ओपन ही, ठीक है। इसके अंदर कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया की जो एरिया वेक्टर है वो उस स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया के परपेंडिकुलर आनी चाहिए। और कई बार हम क्या करते हैं, हम इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चूज़ कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ये जो है इसको हम एन कैप बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं दिस इज़ नॉर्मल टू द एरिया। कई बार दूसरी तरफ पिछली तरफ भी चूज़ कर सकते हैं। तो फिर हम ऐसे लिखते हैं कि जो ये एरिया वेक्टर आएगी ये ऐसे आएगी, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इसकी आ जाएगी एन कैप, वेर एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, ठीक है। सर्फेस मीन्स, ठीक है ना, यहाँ पे तो अब इसमें क्या है कि इसमें हर जगह एन कैप अलग अलग डायरेक्शन में आएंगी, क्योंकि ये कर्व्ड है। इसमें अगर हम कोई भी एलिमेंट ऑफ एरिया लेंगे कहीं पर भी, तो उसके ऊपर एवरीवेयर द एरिया मीन्स एन कैप द नॉर्मल वैक्टर। सो समटाइम्स वी कॉल दिस एज द यूनिट नॉर्मल, ठीक है। तो यूनिट नॉर्मल लिखने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है, सो दैट यू कैन राइट दिस एरिया वैक्टर इन दिस फॉर्म, तो डी ए इन टू एन कैप। फिर जो इसको हम बहुत सारे स्मॉल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर लेते हैं, तो जितने भी स्मॉल ये एरिया वेक्टर्स आएंगे, जैसे ये आया, तो इन सब के एरिया वेक्टर्स को अगर हम ऐड करते हैं, सारे एरिया वेक्टर्स को ऐड करेंगे, तो आपको टोटल एरिया वेक्टर मिल जाएगा। तो टोटल एरिया वेक्टर इतना ही आएगा जब हम स्मॉल एरिया वेक्टर्स को ऐड करें, क्योंकि सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में। तो जब टोटल एरिया वेक्टर आएगा, तो इसका पूरे का हम एक साथ भी बना सकते हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग के स्मॉल लूप एलिमेंट्स हमने ले लिए, तो इसका पूरे का जो एरिया इतना, उसकी एरिया वेक्टर नॉर्मल आ जाएगी ए वेक्टर। और ये पिछली तरफ भी ले सकते थे, लेकिन ये आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा कि आपको उस तरफ लेनी है या दूसरी तरफ लेनी है, ठीक है। तो किसी भी ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऐसे बना सकते हैं। द ओनली थिंग इज व्हेन द एरिया इज कर्व्ड, ठीक है। तो जैसे अगर आपका एरिया सपोज इस तरीके से कर्व्ड है, जैसे अभी यहाँ पर है ये वाले में, तो इसमें हम क्या करते हैं, हाउ डू वी ड्रॉ द एरिया वेक्टर? तो इसमें तो आपको स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा पहले। इसमें तो अगर हम ये टोटल एरिया वेक्टर बना दें, देन इवन दैट इज सफिशिएंट। इसमें आपको छोटे 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 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। मतलब इस तरीके से आप इमेजिन कर लो, ये अगर आपके पास ऐसे आ रहा है ये सरफेस, तो ये एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब हर एलिमेंट की अलग सिचुएशन है, यहाँ पे जो एलिमेंट है और यहाँ पे जो एलिमेंट है, ये तीन मैंने बना दिए। इन तीनों के ऊपर जो एन कैप आएगी नॉर्मल यूनिट नॉर्मल, वो अलग डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर इस एलिमेंट ऑफ एरिया के ऊपर हम कोई भी पॉइंट चूज़ करें, सपोज ये एक पॉइंट चूज़ किया, उस पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट बनाएंगे, पहले टेंजेंट बनाएंगे। तो ये जो पॉइंट इस एरिया में चूज़ किया हमने, उस पर टेंजेंट बनाया आपने, फिर उसके साथ 90 डिग्रीज के ऊपर एक लाइन बनाई, इस टेंजेंट के साथ 90 डिग्रीज के ऊपर एक लाइन बनानी है, इसको हम एन बोल सकते हैं, इसको हम टी बोल सकते हैं, टी डायरेक्शन एन डायरेक्शन, ठीक है। और फिर जो यूनिट नॉर्मल आएगी यहाँ पर,
वैसे आ जाएगी, ये यूनिट नॉर्मल की डायरेक्शन आएगी, एन कैप की डायरेक्शन। दूसरी तरफ भी ले सकते थे, इस तरफ भी ले सकते थे, एन कैप की डायरेक्शन, इट वुड बी इक्वली करेक्ट। ठीक है, तो इस स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया जो यहाँ पे, ये एलिमेंट ऑफ एरिया, ये जो चीज़ है, इसकी जो एरिया वेक्टर आएगी वो किस डायरेक्शन में आ जाएगी, इसकी एरिया वेक्टर एन कैप की डायरेक्शन में आएगी। तो कई बार हम ऐसे लिखते हैं डी ए, ठीक है, डी ए वैक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरिया अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया। ठीक है, अब लेकिन इसमें चेंज क्या है, यहाँ पे जो नॉर्मल आएगी वो अलग डायरेक्शन में आ जाएगी, तो इसकी एरिया वेक्टर किसी और डायरेक्शन में आ जाएगी, डी ए वैक्टर कुछ और तरफ आएगी, इसकी ऐसे आ रही है, इसकी ऐसे आ रही है, इसकी किसी और तरफ आ जाएगी। तो इसमें तो सारी जो एलिमेंटल, इनको इसको हम एलिमेंटल एरिया वेक्टर भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये स्मॉल एरिया है। तो एक्चुअली इसका रिलेशन तो इंटीग्रेशन से है, लेकिन इंटीग्रेशन की जो इन डेप्थ है वो अभी आपको नहीं आएगा मैथ्स, मतलब ठीक है। तो लेकिन इंटीग्रेशन करते समय हमें ऐसे एलिमेंटल पार्ट्स लेने पड़ते हैं, एलिमेंटल का मतलब होता है वेरी स्मॉल साइज, अभी फॉर द टाइमिंग ऐसे मान लो कि स्मॉल साइज है, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तब तो हम नंबर ऑफ पार्ट्स को बढ़ाते जाते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ पार्ट्स को बढ़ाते जाओ और फिर कुछ ऐड करो, इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है। ठीक है, एंड व्हेन यू ऐड अप दोज थिंग्स देन ये स्मॉल एरिया बन जाता है, क्योंकि जब नंबर ऑफ पार्ट्स बढ़ाएंगे तो एरिया स्मॉल बन जाएगा। अब वो कैसे होता है वो मेडिकल वालों को अभी नहीं पता चलेगा, नॉन मेडिकल वालों ने भी उसको किया नहीं है, तो थोड़ा सा मैंने लास्ट ईयर बताया था आपको, बट अभी इसको आप देखो, ये आपको समझना है कि ओपन सर्फेसिस की जो एरिया वैक्टर्स हैं वो कैसे बनती हैं, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका टोटल एरिया निकालने का यूजली कोई यूज़ नहीं होता, वी डोंट रिक्वायर कि इसका टोटल एरिया वेक्टर निकालो कि वो किस तरफ आएगा, बाकी वो इन सब वेक्टर्स को ऐड करके आएगा जो भी इसके एरिया पर, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये बेटा एक इंपॉर्टेंट केस ये है कि क्लोज सर्फेस है, जैसे अगर मैंने आपके लिए एक क्लोज सिलेंड्रिकल सर्फेस बना दिया, जैसे आप लेट्स इमेजिन अ बॉक्स ऑफ शटल कॉक्स, ठीक है, वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, तो उसके दोनों एंड्स बंद होते हैं, बोथ एंड्स आर क्लोज्ड, तो इसके एरिया वेक्टर्स कैसे बनेंगे? तो इसके ऊपर क्या है कि तीन अलग अलग पार्ट्स हम पहचान सकते हैं, एक तो ये वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एंड कैप, ठीक है, एक ये वाला पार्ट है, ये भी एंड कैप है, और एक ये कर्व्ड पार्ट है, ये जो कर्व्ड पार्ट है, समझ में, कर्व्ड सर्फेस जो इसका है। तो ये जो तीन अलग अलग सर्फेसेज हैं इसके, ठीक है, इन तीनों सर्फेसेज के ऊपर अलग अलग डायरेक्शंस आएंगी एरिया वेक्टर की, देखना। तो अगर आप यहाँ पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हो, तो जो क्लोज सर्फेसेज होते हैं उनमें एक कन्वेंशन होती है कि जो एरिया वेक्टर है, देखो इसमें जो क्लोज सर्फेस है उसमें एक इन आएगा और एक आउट आएगा हमेशा, यू कैन आइडेंटिफाई कि ये अंदर वाला पार्ट है और वो बाहर वाला पार्ट है, इन और आउट। इसमें कोई इन और आउट नहीं बोल सकते, इस तरफ को इन बोल सकते हैं तो उस तरफ को भी इन बोल सकते हैं इक्वली, इसमें तो क्या इन एंड आउट है, ये तो ओपन सर्फेस है। लेकिन जो क्लोज्ड है ये यहाँ से भी बंद है, यहाँ से भी, तो यू हैव इन पार्ट एंड आउट पार्ट। तो अगर हम इस सरफेस के ऊपर कहीं पे भी एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे हमने एक एलिमेंटल एरिया ले लिया, तो अब इस एलिमेंटल एरिया की जो एरिया वेक्टर है, इट हैज़ टू बी अलॉन्ग द नॉर्मल, ये ऐसे आएगी इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, ठीक है। तो इसकी एरिया वेक्टर बन जाएगी इस डायरेक्शन में ऐसे, ये डी ए वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। अगर हम, मतलब ये आउटवर्ड्स होती है, फॉर अ क्लोज सरफेस द एरिया वेक्टर ऑलवेज पॉइंट आउटवर्ड्स, इट हैज़ टू बी नॉर्मल, बट नॉर्मल में ये अंदर की तरफ नहीं जा सकते। जैसे इसमें तो दोनों चॉइसेस आपको अवेलेबल थी, ओपन सरफेस में एरिया वेक्टर उस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, इसमें एरिया वेक्टर की एक ही चॉइस अवेलेबल है, एरिया वेक्टर ऑलवेज पॉइंट्स आउट, इट कैन नेवर पॉइंट इन। तो व्हाई इट इज सो, वो जो कन्वेंशन है आप पहले सीख लो कैसे है, फिर उसके बाद रीजन देख लेना, क्योंकि ना जो डेफिनेशन होती है उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है फिजिक्स में, पहले आपको पूरी हिस्ट्री में जाना पड़ता है कि क्यों ऐसा क्यों हमने चूज़ किया, ठीक है। तो इसको ये ऑपरेशनल लेवल पर सीखना चाहिए। तो डी ए वैक्टर इसमें बाहर की तरफ ऐसे आएगी, डी ए वैक्टर बाहर की तरफ पॉइंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया लें सरफेस के ऊपर, आप इमेजिन करो कि एक शटल कॉक का बॉक्स है और उसके ऊपर आपने एक छोटा सा एलिमेंट ऑफ एरिया ले लिया यहाँ पर, तो अगर यहाँ पे आपने एक स्मॉल एरिया लिया है, लेट्स से यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, तो ये आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, ये आधा सपोज इस तरफ है और आधा पीछे इसके बैक में, तो अगर हम यहाँ पर टेंजेंट बनाएंगे इस टॉप पॉइंट के ऊपर, तो टेंजेंट बिल्कुल इसको टच करती हुई जाएगी और नॉर्मल ही आ जाएगी, तो जो एरिया वेक्टर आएगी वो ऐसे आ जाएगी इसके साथ एवरीवेयर। यहाँ पे अगर कर्व्ड सरफेस है, अगर ये बॉक्स है, तो यहाँ पे अगर हम एक स्मॉल एलिमेंट लें तो उसकी एरिया वेक्टर ऐसे आएगी बाहर की तरफ, डी ए वैक्टर, ठीक है। तो एनीवेयर ऑन द कर्व्ड सरफेस द एरिया वेक्टर हैज़ टू पॉइंट आउटवर्ड्स, तो ऐसे आ जाएगा बेटा, ये देखना, ये स्मॉल एलिमेंट है, ये बाहर की तरफ परपेंडिकुलर, ऐसे आपको इमेजिन करना है, यहाँ सिलेंडर है और बाहर की तरफ एरिया वेक्टर आ रही है, यहाँ पे ऐसे आ जाएगी। तो ये एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैनी प्लेसेस एरिया वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज डी एस इंस्टेड ऑफ डी ए वैक्टर, इट माइट बी शोन एज डी एस वैक्टर, हम भी यूज़ करेंगे इसको,
तो डी एस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, तो ये एरिया के लिए दोनों सिंबल्स यूज होते हैं, एस बी और ए बी, ये कॉमन है, मतलब इट बोथ सिंबल्स आर इम्प्लॉयड, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है, तो ये एरिया वेक्टर की चॉइस के बारे में दिया। तो वंस वी अंडरस्टैंड हाउ यू शो एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, देन वी कैन, आप गॉशियन सरफेस तो जस्ट एक इमेजिनरी सरफेस होता है, तो यूजली हम गॉशियन सरफेस वहाँ पे इमेजिन करेंगे जहाँ पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, बिकॉज गॉशियन सरफेस सीखने का मतलब ये है कि आप गॉस थ्योरम को समझ पाओ कि व्हाट व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द गॉस थ्योरम, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो गॉशियन सरफेस इज बेसिकली एन इमेजिनरी सरफेस प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स जस्ट एन इमेजनरी सर्फेस प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी एरिया वैक्टर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब हम ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन कर सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड वॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स। ठीक है, ये इसको यूजली ये सिंबल यूज़ करते हैं इसके लिए, फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। तो ये सिर्फ एक प्योर मैथमेटिकल टर्म है, मैथमेटिकल मतलब ये अगेन जैसे मैं आपको बता रहा ना कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाया गया, वो तो बहुत लंबा काम है, मतलब इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड हाउ इट स्टार्टेड ऑफ, बट जो जस्ट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन प्रॉपरली, ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स। तो इसमें ऐसे है बेटा देखो, ये अगर हम इसको ऐसे लिखें तो कई बार हम ये बोलते हैं शॉर्ट में, वी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका क्या मीनिंग है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मतलब इंटीग्रेशन होगी इसमें कहीं ना कहीं जब इंटीग्रल वर्ड यूज़ हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उस इंटीग्रेशन में यूज़ होगी कहीं ना कहीं, और सरफेस इंटीग्रल का मतलब सरफेस इज ऑल्सो इन्वॉल्व। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स, पहले आप देखो, सपोज आपके पास कोई भी चार्जेस यहाँ पर प्लेस्ड हैं, आपको मालूम नहीं कौन से चार्जेस हैं, हो सकता है एक डाइपोल हो सकता है एक इनफाइनाइट प्लेन ऑफ चार्ज हो, या दो लाइक चार्जेस हों प्लस क्यू प्लस क्यू, तो ये सोर्स चार्जेस हैं, वी डोंट नो व्हाट आर दी सोर्स चार्जेस, हमें मालूम नहीं है कि सोर्स चार्जेस क्या हैं, वट एवर दे माइट बी। ठीक है, इन इन दैट रीजन हमने सपोज यहाँ पर जहाँ पे पहले से कोई सोर्स चार्जेस आसपास कहीं पड़े हुए हैं, मतलब इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से एग्जिस्ट करती है, सम इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, पॉइंट चार्ज की फील्ड है, डाइपोल की, हमें नहीं मालूम, और ये एक इमेजनरी सर्फेस है उसी रीजन में, एस स्टैंड फॉर द इमेजनरी सर्फेस इन अ रीजन वेयर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, एंड सपोज इस सर्फेस के ऊपर हम एक एलिमेंटल एरिया वैक्टर बना देते हैं, पूरे इस सरफेस को आपको ऐसे ऐसे स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करना है हर जगह, मतलब ऐसे लाइंस लगा देंगे हर जगह ऐसे, और फिर इसके अंदर एलिमेंटल एरियाज लेंगे, पूरे सरफेस एस को हमने स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ एरिया में डिवाइड कर दिया, और इसकी हमने एरिया वेक्टर बना दी यहाँ पर, कोई भी पॉइंट यहाँ पर चूज करो और ये एरिया वेक्टर आपने बना दी डी एस वेक्टर। अब जहाँ पर आपने इस एलिमेंट ऑफ एरिया की एरिया वेक्टर ड्रॉ की है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, लेट्स से पी, सपोज पी इज़ अ पॉइंट लाइक हेयर ऑन दिस एलिमेंटल एरिया। ठीक है, और ये आपको मालूम होना चाहिए बेटा, यहाँ पे अगर हम टेंजेंट बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे, तो डी एस वैक्टर लाइज अलॉन्ग दैट नॉर्मल ओनली। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे हमने इस एलिमेंट ऑफ एरिया की एरिया वैक्टर बनाई है, उस पॉइंट के ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पहले से, देर माइट बी वैल्यू ऑफ सम इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, तो वो तो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे और चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अभी मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, सपोज इसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ऐसी मैंने कोई भी डायरेक्शन चूज कर ली। ठीक है, तो एट दिस पॉइंट पी, ठीक है, द एरिया वेक्टर रिप्रेजेंटिंग दिस स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया इज इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, एंड इसकी कुछ भी वैल्यू होगी, 1 मिलीमीटर स्क्वायर की एरिया वेक्टर हो सकती है, उससे भी कम, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी। तो अभी इसमें क्या है कि अगर हम इस ई वेक्टर का डी एस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, इसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट इज बेसिकली अगर हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो आपने लास्ट ईयर से पढ़ा हुआ है ए बी कॉस थीटा, ऐसे लिखते हैं ना, ए इज लेंथ ऑफ दिस, बी इज लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, इसकी लेंथ ये आ जाएगी, इसकी लेंथ ये, एंड कॉस ऑफ थीटा। अब कॉस थीटा फॉर एनी टू वेक्टर्स, ए डॉट बी के लिए कॉस थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी जीरो ऑल्सो। पॉजिटिव कब होगा, ए डॉट बी, जब देखो ये दोनों, ये वाला टर्म, ये वाला प्रोडक्ट तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि ये दो लेंथ की प्रोडक्ट है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू लेंथ, सो दिस हैज़ टू बी पॉजिटिव, बट कॉस थीटा कैन बोथ बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो अगर थीटा एंगल, देखो अगर थीटा एंगल 90 डिग्री से कम होता है, तो कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। जैसे यहाँ पे हम दोनों दोनों के बीच में जो एंगल बनाया है, वो एक्यूट एंगल बनाया हमने, तो इसमें कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा, बट कॉस थीटा जीरो भी आ सकता है अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती, तो एंगल 90 डिग्रीज बन जाता है ई और डी एस वैक्टर के बीच में,
ठीक है. इन दैट केस दो ई डॉट डी एस कितना आता है, जीरो. ई डॉट डी एस की वैल्यू जीरो आ जाती. तो आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर जो डॉट प्रोडक्ट है, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एज वेल एज जीरो. ठीक है, तो इसमें ध्यान देंगे बेटा. ठीक है, उसमें तो बाद में यूज़ पड़ेगा आपको मैथ्स का पेपर का. तो अगर हम इस स्मॉल एरिया के लिए डॉट प्रोडक्ट आपको याद करना पड़ेगा. एक चीज़ और याद रखना चाहिए बेटा, जो डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है. इट इज़ जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी. मतलब ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी, इज अ नंबर. लाइक इस नंबर की वैल्यू 0.5 आ सकती है, या मे बी 17.26 आ सकती है, ऐसे कुछ वैल्यू आएगी है. ठीक है, इट हैज़ टू बी अ नंबर. और जब हम ई वेक्टर और डी एस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो जो नंबर आएगा उसकी यूनिट्स क्या आएंगी वो भी आप बता सकते हो, क्योंकि इसकी यूनिट्स क्या आएंगी ई की. ठीक है, ई वेक्टर की यूनिट्स होती है न्यूटन्स पर कूलम, और एरिया वेक्टर की यूनिट्स होंगी एसआई में मीटर स्क्वायर. तो ये जो क्वांटिटी बनी है इसकी, ये यूनिट आएगी, वट एवर इट मीन्स, न्यूटन पर कूलम, मीटर स्क्वायर. आपको कुछ नहीं पता चल रहा कि ये क्या चीज़ है, न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर. तो बस आप इसको याद करो कि ये जो क्वांटिटी आ रही है, ठीक है, इसकी यूनिट ये है, और इट हैज़ टू बी अ नंबर विच कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. ये माइनस भी हो सकता है मे बी, ठीक है, ये जीरो भी हो सकता है. तो ये एक स्मॉल नंबर है. तो ये जो स्मॉल एलिमेंटल एरिया है, इसके ऊपर हमने फ्लक्स निकाल लिया. तो कई बार इसको हम डी फाई ई रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज ये एरिया स्मॉल है, तो स्मॉल एरिया के ऊपर स्मॉल फ्लक्स बोलते हैं इसको. अब हम अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इस सर्फेस के ऊपर, पूरे सर्फेस के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्यूट करना है, मीन्स इफ वी वॉन्ट टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सर्फेस एस. ठीक है, कई बार ऐसे बोलते हैं द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कटिंग अक्रॉस द सर्फेस. अब ये कटिंग अक्रॉस का मतलब ये है, देखो ये फील्ड लाइन अगर आप इमेजिन कर रहे हो कि ये ऐसे इसको पियर्स करके जा रही है, पिन को अगर जैसे हमने पेपर में से पास कर दिया, तो ये कट कर रही है इसको. तो कई बार ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कटिंग अक्रॉस द सर्फेस. ठीक है, और अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, तो फिर क्या कटिंग हो रही है, सर्फेस को कट नहीं कर रही हो. इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट कटिंग अक्रॉस द सर्फेस. तो फ्लक्स कितना आ जाएगा इस केस में, इस केस में फ्लक्स जीरो आ जाएगा. तो जब कटिंग होगी तभी फ्लक्स आता है, इसलिए इसको कई बार ये बोलते हैं द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कटिंग अक्रॉस द सर्फेस. तो चलो हमें तो मैथमेटिकली सीखना है, बिकॉज आपको ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन मैथमेटिक्स में कैसे चलती है, हाउ इट गोज मैथमेटिकली. सो दिस कैन बी कॉल्ड एज द स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कटिंग अक्रॉस एन एलिमेंटल एरिया. ये एक एलिमेंटल एरिया है, इसके अक्रॉस कितना फ्लक्स कट कर रहा है वो इतना आ रहा है, और ये एक नंबर आ जाएगा जो कि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो आएगा. अगर जीरो फ्लक्स है तो कटिंग नहीं हो रही है, तो फ्लक्स जीरो है. ठीक है, तो अगर हमें टोटल सर्फेस के ऊपर फ्लक्स निकालना है, सपोज हम इस पूरे सर्फेस के ऊपर फ्लक्स निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आया है, तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स बोलते हैं. वी से इट इज़ द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगी, तो ये पानी का फ्लक्स हो जाएगा, फ्लो ऑफ वाटर. अब वो कैसे होगा वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वी डोंट वांट टू गो इनटू दैट. अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी, अगर यहाँ पे सपोज पानी इसके अक्रॉस मूव कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, या जैसे आप इमेजिन कर लो कि आपके घर में कोई रेक्टेंगुलर पाइप्स पानी लेकर आ रही है, यहाँ पे घर में कोई पाइप्स हैं ऐसे रेक्टेंगुलर, तो अगर हम ये सरफेस इमेजिन करें और यहाँ पे डी एस वैक्टर बनाएं, और यहाँ पे पानी की वेलोसिटी सपोज इसी डायरेक्शन में, वी वेक्टर वेलोसिटी ऑफ वाटर, लिक्विड तो फ्लो कर सकता है पाइप में. तो अगर हम वी डॉट डी एस निकालेंगे, तो वी डॉट डी एस कैन बी टर्म्ड एज द फ्लक्स ऑफ द वाटर अक्रॉस द स्मॉल एरिया. अब उसका मतलब क्या होता है, अब वो आप थोड़ा सा अगर समझोगे या 11th में न्यूमेरिकल्स के होंगे, तो ये जो क्वांटिटी है दिस स्टैंड्स फॉर द वॉल्यूम ऑफ वाटर क्रॉसिंग दिस एरिया, ठीक है, इन अ स्मॉल टाइम dt अक्रॉस दिस एरिया. ठीक है, या dt टाइम में नहीं, पर सेकेंड टाइम में. दिस रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ वाटर क्रॉसिंग दिस एरिया पर सेकेंड, नॉट इन dt टाइम. dt टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड. सो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर क्रॉसिंग अक्रॉस दिस एरिया पर सेकेंड आ जाएगा, अगर आप समझ पा रहे हो तो. ठीक है, बाकी उसके साथ रिलेट नहीं करना आपको, ना ही कहीं पूछेंगे कि आप इसको रिलेट करके दिखाओ. तो मैं थोड़ा सा आपको आईडिया दे रहा हूँ कि वाई इट इज़ फ्लोइंग. यहाँ पे कुछ फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है, तो बस इसको हम बोलते हैं फ्लक्स ही है. ठीक है, वी कॉल इट एज फ्लक्स ओनली. तो ये आपके पास आ जाएगा. तो जब हम इसको अगर हम टोटल, देखो सरफेस इंटीग्रल क्यों बोल रहे हैं अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें अभी हम इंटीग्रेशन करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे है ही. तो अगर आप पूरे सरफेस के ऊपर टोटल फ्लक्स निकालते हो, तो आपको जितने भी स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ एरिया आएंगे, यहाँ पे ये भी यहाँ पे भी एवरीवेयर, हर एरिया के लिए आपको फ्लक्स निकालना है, स्मॉल फ्लक्स निकालना है. और फिर जितने भी स्मॉल फ्लक्सेस आएंगे उन सब फ्लक्सेस को ऐड करना है. ऐड करने को ये हम इंटीग्रेट बोलते हैं. सो फॉर ईच एरिया, एलिमेंटल एरिया, वी कंप्यूट द फ्लक्स सेपरेटली, ठीक है, एंड ऐड अप द स्मॉल फ्लक्सेस, एंड आफ्टर दैट वी गेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कटिंग अक्रॉस दिस सर्फेस. तो इसी चीज़ को हम
सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, बिकॉज इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको सरफेस दिया होना चाहिए कि कौन से सरफेस के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्यूट करना है, तो इसको हम सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, क्योंकि सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन हो रही है। आप सरफेस को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर रहे हो, हर एलिमेंट ऑफ एरिया की अलग से एरिया वेक्टर बना रहे हो, और फिर ई डॉट डी एस कंप्यूट कर रहे हो, और फिर इसमें न्यूटन्स पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये आपके पास आ जाएगा, तो ये जो इक्वेशन है ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है। फिर भी लोग पुराने टाइम की डेफिनेशन करते रहते हैं, समटाइम्स पीपल से दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग अ सरफेस नॉर्मली, ठीक है, कटिंग अक्रॉस दैट एरिया, तो वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये प्योर मैथमेटिकल डेफिनेशन करोगे, ये मैथमेटिकली इट एक्सप्लेन्स एवरी थिंग। सो द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ सरफेस एस इज डिफाइंड बाई दिस। तो ये आपके नोट्स में दिया हुआ है, आप एक बार वहाँ से पढ़ लेना, एक बार जल्दी से देख लो 2 मिनट्स के लिए। एक सिंपल सी प्रॉब्लम करना बेटा आप, लिखना। हाँ, एक मैं इसके सिंपल एप्लीकेशन दे रहा हूँ, लिखो, फिर आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्यूट कैसे करना है। हाउ डू वी फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये लग रहा है इसमें कॉम्प्लिकेटेड, वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड होगा, लेकिन बहुत ईजी तरीके से हो जाता है। आप लिखना कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम भी दूंगा मैं, ठीक है। कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कटिंग अक्रॉस, कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कटिंग अक्रॉस दिस स्फीयर, कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कटिंग अक्रॉस दिस स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कटिंग अक्रॉस दिस स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैविंग अ पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू at its center, having a point charge small q at its center as shown. अब आपको जो ये स्फीयर का सरफेस है, कुछ भी नाम रख लो इसका, ये फिगर दी हुई है बेटा इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। ये गॉशियन सरफेस है, गॉशियन सरफेस इज स्फेरिकल इन दिस शेप, इन दिस केस it is a spherical Gaussian surface and it has a point charge q placed at its center. How will we compute the electric flux cutting across this surface? To is surface ke across, is surface ka naam rakh lo aap s, to how much is the electric flux cutting across the surface? To ek cheez main aapko bata raha hu, kai baar aapko ye milega in books and textbooks you might see, jab hum closed surface pe Gaussian surface ke upar hum flux nikalte hain, jaise isme closed surface hai, तो कई बार यहाँ पे एक ऐसे साइन लगा देते हैं विच मीन्स दैट वी आर कंप्यूटिंग द फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस, ठीक है। बाकी उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ना भी लगाएं इवन देन वी कैन मैनेज बिकॉज इट डज नॉट लीड टू अ प्रॉब्लम। तो जब हम क्लोज सरफेस पे लगाते हैं तभी ऐसे सर्कल लगा देते हैं, ओपन सर्फेस पर लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, वो मीनिंगलेस है। क्लोज पर ना लगाएं तो फिर भी काम चल जाएगा, बिकॉज इट इज़ अंडरस्टूड कि इस एरिया के ऊपर सर्फेस इंटीग्रेशन करनी है। तो आप पहले इसके अंदर फ्लक्स निकालने के लिए क्या करोगे, देखो, तो पहले हम कहीं पर भी एक आर्बिट्री मीन्स anywhere on this surface of this sphere, हम यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम एक small element of area choose कर लेते हैं। Let's suppose this is a small element of area, तो इसका जो area आएगा वो suppose ds आएगा। ds मतलब अगर हम बिल्कुल small area लेंगे तो rectangle की तरह से दिखेगा, ठीक है, उसकी length into breadth कुछ भी आएगी, तो ये length into breadth की value इतनी है ds। अब इस small element of area की area vector आप draw करो, तो एरिया वेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए पहले हम इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट चूज करेंगे, उस पॉइंट के ऊपर हम एक टेंजेंट बनाएंगे, ठीक है, और जो टेंजेंट आएगी उसके साथ फिर परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। अगर आप इस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी दैट विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर। ये प्रॉपर्टी होती है
सर्कल्स में भी और स्फीयर्स में भी, कि अगर हम टेंजेंट के साथ 90 डिग्रीज पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये 90 डिग्रीज के ऊपर एक लाइन है, तो देन इफ़ यू प्रोड्यूस दैट लाइन इट हैज़ टू पास थ्रू द सेंटर, ठीक है। तो जब हमने ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दी है, ये वाली लाइन, ये नॉर्मल है, ठीक है, तो आपको ये टेंजेंट है, ठीक है। तो आफ्टर यू ड्रॉ दिस, फिर हम इस एरिया वेक्टर को ऐसे वेक्टर के फॉर्म में बना सकते हैं, ये एरिया वेक्टर आ जाएगा, डी एस वेक्टर, ठीक है, इस तरीके से डी एस वेक्टर आ जाएगा। अब लेट अस इमेजिन कि ये पॉजिटिव चार्ज है, आप अपनी प्रॉब्लम में ही लिख लो विद अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू एट इट्स सेंटर, ठीक है। तो बिकॉज अगर नेगेटिव होगा तो ई वेक्टर की डायरेक्शन दूसरी आ जाएगी, ठीक है, तो दोनों अभी हम साथ साथ ही कर सकते हैं। तो अगर आप इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्रॉ करोगे तो किस तरफ आएगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर? तो उसके लिए पहले आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इमेजिन करना है। अब ये अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगी, तो ये ई वेक्टर आ जाएगी, ये जो मैंने बनाई है अभी वॉयलेट कलर में, दिस इज ई वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ठीक है। तो किसी भी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ एरिया को आपने ले लिया, और ई और डी एस वैक्टर के बीच में कितना एंगल आया? जीरो, जीरो आया। तो अगर हम स्मॉल फ्लक्स निकालते हैं इस एरिया के अक्रॉस, तो वो आ जाएगा ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डी एस वेक्टर, और यहाँ पे हम लिखेंगे ई वेक्टर मैग्नीट्यूड डी एस वेक्टर मैग्नीट्यूड, और इस पर्टिकुलर एरिया के लिए तो कॉस जीरो आ जाएगा। हो सकता है किसी दूसरे एरिया के लिए एंगल कुछ और आए, अब स्फीयर में तो नहीं आएगा, स्फीयर में तो कहीं पे भी आप एरिया एलिमेंट लोगे तो जो एंगल ई और डी एस वेक्टर के बीच में आएगा वो कितना आ जाएगा? ई और डी एस वेक्टर के बीच में किसी भी एलिमेंट ऑफ एरिया के लिए एंगल सेम आएगा, जीरो। तो इस केस में हम कह सकते हैं हर एक एलिमेंट ऑफ एरिया के लिए मतलब एंगल जीरो आ जाएगा। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आप इस इंटीग्रेशन साइन के अंदर ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड डी एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ जीरो लिख सकते हो। रीजन व्हाई यू कुड राइट इट एज कॉस ऑफ जीरो, बिकॉज एवरीवेयर ऑन दी स्फीयर, ठीक है, एवरीवेयर ऑन दी स्फीयर द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर इज जीरो, ठीक है। लेकिन ये हर सर्फेस के लिए नहीं होगा, कोई ऐसा भी सर्फेस हो सकता है जिसके लिए ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच में एंगल अलग अलग जगह पर अलग अलग हो, यहाँ 60 डिग्रीज हो, यहाँ जीरो, यहाँ 30 डिग्रीज हो, वो तो जनरल केस बन गया, ठीक है, दैट इज अ जनरल केस कि हर जगह पे डी एस और, तो उसमें फिर हम इंटीग्रेशन साइन के अंदर एंगल नहीं लिख सकते ऐसे, इसमें लिख सकते हैं बिकॉज एवरीवेयर ऑन द स्फीयर द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर इज जीरो। तो अब इसमें कॉस जीरो तो वन हो जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे आ जाएगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, ये अभी हमने लास्ट क्लास में किया था। तो अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी आर डिस्टेंस के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा तो वो इतना आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है। तो अगर हम इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें के अपॉन आर स्क्वेयर इंटू क्यू, ठीक है, चाहो तो आप ये लगा सकते हो क्लोज्ड, ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? अब आप देखो इसमें क्या चीज़ कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ आते हैं तो क्या ये क्यू चेंज करेगा? ये तो सेम है। क्या ये आर की वैल्यू चेंज करेगी? ये भी नहीं चेंज करेगी, नहीं के की वैल्यू चेंज करेगी। तो ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट हो गई, सो ऑल ऑफ देम दे गो आउटसाइड। तो क्यू को हम बाहर ले जाएंगे, आर स्क्वायर को भी बाहर ले जाएंगे, और के की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, मोस्टली वी विल टेक वैक्यूम एज द केस। अगर कोई दूसरा मीडियम दिया हुआ है, ये गॉसियन सरफेस सपोज किसी डाइलेक्ट्रिक में, या तो फिर उस मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी यहाँ पे बस एप्सिलॉन। मोस्टली आपको वैक्यूम का ही लिखना होगा एप्सिलॉन जीरो। तो अब अंदर क्या बचेगा? अंदर तो सिर्फ कुछ भी नहीं बचा, बस यही बचा इंटीग्रल डी एस। इंटीग्रल डी एस का मतलब है कि पूरे सरफेस को आपने जिन एलिमेंट्स में डिवाइड किया था उन सब का जो एरियाज आएंगे, उन सब एरियाज का जो सम है, ठीक है, तो वो तो कितना आ जाएगा? वो तो आपको मालूम है इंटीग्रल डी एस स्फीयर के लिए कितना आएगा, 4πr², सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इतना होता है। तो q अपॉन 4πε₀ आर स्क्वेयर इंटू 4πr², ये आ गया। अब इसमें से 4πr² आर स्क्वेयर ये सब कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास ये वैल्यू पूरा, अगर हमने इस सरफेस के लिए जब हमने कंप्यूट की तो ये पूरी वैल्यू आ गई q अपॉन ε₀, ये आंसर आ गया, ठीक है। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कटिंग अक्रॉस द सर्फेस ऑफ दिस स्फीयर इज q अपॉन ε₀, ये फ्लक्स की वैल्यू आ गई। और इसके ऐसा यूनिट आप लिख सकते हो, इट इज़ ऑलवेज ऐसे आएगी, ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वेयर, ठीक है, वो अंडरस्टूड होता है कि हमें यही लिखना है। तो ये इजिएस्ट एग्जाम्पल है व्हेन वी कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये आप याद रख लो अभी, फिर बाद में इसको हम करेंगे। कई बार आपको बोलते हैं गॉस थ्योरम को प्रूव करो, तो गॉस थ्योरम का प्रूफ लेंदी होता है, मतलब अगर हम उसको इन जनरल प्रूव करें तो स्लाइटली लेंदी होता है। लेकिन सपोज समवन गिव्स यू दिस फुलिश क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स, या सिलेबस में नहीं है लिखा हुआ है उसमें गॉस थ्योरम का, मतलब प्रूफ आपको करना नहीं है सिलेबस के अंदर,
लेकिन अगर आपको कोई कहे कि गॉस थ्योरम का प्रूफ करो, तो यही सब, ये पूरा गॉस थ्योरम का प्रूफ है, यही गॉस थ्योरम है। बाद में बताऊंगा ये कैसे गॉस थ्योरम है, अभी आज का पर्पस नहीं है, वी आर डूइंग समथिंग एल्स टुडे, लेटर ऑन आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट गॉस थ्योरम इज। ठीक है, तो बेसिकली द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कटिंग अक्रॉस अ क्लोज सर्फेस इज 1/ε टाइम्स द चार्ज इनक्लोज, तो ये बताएंगे आपको, पर अभी तो आप इसको एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में देख लो। ठीक है, तो हम प्रूव करेंगे नहीं गॉस थ्योरम का ना, वो आपको सिलेबस में नहीं है, ना ही उसकी कोई वैल्यू है प्रूव करने की, तो लेंदी होता है वो, 3-4 केसेस बना के आपको करना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से डील करेंगे, आपको अभी क्लोज सर्फेस से डील करना होगा। अगर ओपन सर्फेस आएगा भी तो वो बहुत ईजी होता है। मतलब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कहेंगे कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये मैं लिखवा भी नहीं रहा हूँ आपको, इतनी ईजी प्रॉब्लम है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ये ई। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एट एवरी पॉइंट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो अब आपको अगर सपोज ये कहा है कि यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर एरिया हमने रख दिया जिसकी लेंथ है एल और ब्रेथ है बी, सो देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कटिंग अक्रॉस दिस एरिया। तो जो अभी हमने प्रोसीजर किया था, अगर आप उसी से लोगे, यहाँ पे आप एक एलिमेंटल एरिया लोगे, इसकी एरिया वेक्टर डीएस वेक्टर या डीए वेक्टर इस तरफ आ जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में आएगी, तो ई डॉट डीएस कितना आ जाएगा, ठीक है, ई डॉट डीएस आ जाएगा कितना, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड डीएस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ जीरो, कॉस जीरो वन आ जाएगा इसमें, और क्योंकि हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है तो ये बाहर चला जाएगा इंटीग्रेशन साइन के, तो ये ई आ जाएगा। इंटीग्रल डीएस से आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो ये आ जाएगा ई इंटू एल इंटू बी। तो ये सिंपल आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कटिंग अक्रॉस दिस रेक्टेंगुलर एरिया इज ई इंटू एल इंटू बी। अब कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में नहीं दी होती, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया के अक्रॉस ऐसे कट कर रही है, जब वो ऐसे कट कर रही है तो ई वेक्टर ऐसे आ जाएगी, यहाँ पर ई वेक्टर इस तरफ ना होकर इस तरफ आ जाएगी, और ये एंगल दिया हो सकता है आपको 30 डिग्रीज 60 डिग्रीज 45 डिग्रीज। तो फिर यहाँ पे जब कॉस लिखेंगे तो कॉस ऑफ दैट एंगल आ जाएगा, इस केस में तो ये एंगल कितना था, जीरो। तो कई बार आपको सिंपल डायग्राम बोर्ड के पेपर में आता है, आपको इलेक्ट्रिक कह देते हैं कि एक गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस मींस नथिंग रियली इमेजिनरी, द गॉसियन सरफेस इज रेक्टेंगुलर इन शेप, इलेक्ट्रिक अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कट्स अक्रॉस दैट गॉसियन सरफेस, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री 60 डिग्री, जो भी एंगल दिया हुआ है, और आपको कहते हैं इसके ऊपर फ्लक्स कंप्यूट करो, तो कुछ भी नहीं है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे, यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा, थीटा की वैल्यू फिर जो भी जीरो या 90 डिग्रीज। हाँ, अगर आप देखो, अगर ये फील्ड लाइंस ऐसे ना जाकर अगर आप ऐसे रखोगे तो कितना फ्लक्स आ जाएगा, अगर फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं तो, और सरफेस ऐसे है, ये डीएस वेक्टर और ई वेक्टर ऐसे, फिर तो ये इसको ग्रेज कर रही है, मतलब ऐसे रगड़ खा के जा रही है, ये सरफेस है रेक्टेंगुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे कट चल रही हैं उस पर, ऊपर की तरफ रेंग रही है, ग्रेजिंग अलोंग द सरफेस, तो फिर तो वो कटिंग तो हो ही नहीं रही, और ई और डीएस वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, जीरो। तो ये कटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, वो जैसे पानी फ्लो कर रहा था उसमें रेक्टेंगुलर पाइप में, तो अगर हमने वहाँ पे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाया पानी की पाइप के अंदर, तो वाटर इज कटिंग अक्रॉस दैट। अगर आपने एरिया ऐसे बनाया होता, ऐसे रख देते एरिया, और पानी ऐसे फ्लो कर रहा है इस तरफ, ठीक है, इस तरफ, फिर पानी कट थोड़ी कर रहा है उसको, वो एरिया रखा तो हुआ है पानी के अंदर, बट वाटर इज नॉट कटिंग और फ्लोइंग अक्रॉस दैट एरिया, सो वट इज़ द वॉल्यूम क्रॉसिंग दैट एरिया पर यूनिट टाइम, जीरो, बिकॉज उसमें वॉल्यूम क्रॉस नहीं कर रही एरिया को, वो पानी के अंदर ऐसे रखा हुआ है, पानी ऐसे फ्लो करता तो वॉल्यूम उसको क्रॉस करती। तो ये थोड़ा सा ना हार्ड है, मतलब जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, तो आई थिंक इतने से आप कर लो। तो इसके अंदर आप बस ई डॉट डी एस को याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक और प्रॉब्लम देता हूँ बेटा लिखना, ये इंपॉर्टेंट और अच्छी प्रॉब्लम है। कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कटिंग अक्रॉस Compute the electric flux cutting across the cylindrical surface placed in a uniform electric field of magnitude capital E. Placed in a uniform electric field of magnitude capital E as shown. अब इसमें भी आपको फ्लक्स निकालना है, आप दो मिनट दो, देखो आप कर सकते हैं इसको।
कैन यू कंप्यूट दिस फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमने ई ले लिया, अभी 2 मिनट अभी तो चलेंगे, अभी तो 6:40 ही तो है, क्या टाइम हुआ? 50 में अभी चेंज हो गया क्या साथ? हाँ 3 बजे चलो ठीक है, पहले 3:30 था, चलो ठीक है यार अपनी ड्यूटी करो बढ़िया ढंग से, ड्यूटी करो बहुत अच्छी बात है, टाइम पे जाया कर बस स्कूल में, देर नहीं कर। सतीश को मैंने 7 बजे का बोल रखा है यहाँ आने का, आपका क्या आंसर है? क्या बेटा? e by e raised to the power e pi r square, और सोचो और किसी ने फाइंड आउट किया आंसर, और किसी ने फाइंड आउट किया बेटा आंसर? नो वन, आंसर इज 0, क्योंकि आप देखो मैंने आपको बताया ना इट रिप्रेजेंट्स द फ्लो फ्लो अक्रॉस द एरिया, तो अगर ये लिक्विड फ्लोइंग है तो नेट फ्लो एरिया, नेट फ्लो अक्रॉस दिस एरिया कितना है, जो एरिया ऑफ क्लोज्ड एरिया उसके अक्रॉस फ्लो कितना हो रहा है, जो कर्व सर्फेस है उसके अक्रॉस तो कुछ फ्लो ही नहीं कर रहा क्योंकि पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसके अक्रॉस तो ऐसे तो कुछ आ नहीं रहा, और इसके अंदर जितना घुस रहा है उतना ही वहां से निकल रहा है, तो नेट फ्लो तो 0 आ जाएगा। अभी देखो इसमें कंप्यूट करते हैं तो हम ऐसे करेंगे, देखना बेटा फास्ट नहीं करने की जरूरत है आपको, आराम से करो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ये डेफिनेशन होती है ई डॉट डी एस, ध्यान से देखना आप एक बार सुन लो जल्दी से, ये क्लोज सर्फेस के अक्रॉस हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो अब इसमें क्या है कि 3 अलग अलग पार्ट्स हैं, ये जो एंड कैप है इसको हम एंड कैप बोल सकते हैं, आप लास्ट में जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर अगर हम कहीं पे भी एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया ले तो यहां पे डीएस वेक्टर इस डायरेक्शन में आ जाएगा, डीएस वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन। व्हाट अबाउट ई वेक्टर? ई वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन, और इस एंड कैप के ऊपर कहीं पर भी हम देखेंगे तो जो इन दोनों के बीच में एंगल है वो कितना है? 0। ठीक है, अब अगर आप यहां पे देखोगे इस एंड के ऊपर अगर हम एरिया वेक्टर लेंगे तो यहां पे जितने भी एरिया वेक्टर है, क्योंकि एरिया वेक्टर को बाहर की तरफ पॉइंट करना है ऐसे आउटवर्ड्स, ये क्लोज सरफेस में फिक्स्ड होता है कि एरिया वेक्टर हैज टू बी टेकन आउटवर्ड्स। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर आप ई वेक्टर ड्रॉ करोगे तो ई वेक्टर यहां पर फिर से उसी तरफ आ जाएगा, और क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहां पर मैग्नीट्यूड आएगा वो यहां पर मैग्नीट्यूड आएगा, तो यहां पर दोनों के बीच में एंगल कितना बन जाएगा? यहां पर एंगल आ जाएगा 180 डिग्रीज या पाई रेडियंस। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप कर्व सर्फेस पे कहीं पे भी देख लो, कहीं पे भी लो कर्व सर्फेस पे, क्योंकि अगर ये सिलेंड्रिकल सर्फेस ऐसे इमेजिन करोगे तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ऐसे रेंग के जा रही, ग्रेज अलोंग द सर्फेस, तो अगर हम यहां पर एक ऐसे कर्व्ड सर्फेस लें, कर्व्ड सर्फेस पे चाहे ऊपर ले लो आप ऐसे, इसका कुछ पार्ट ऐसे लाई करता है पीछे, कुछ पार्ट पीछे, कुछ पार्ट ऐसे, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो डीएस वेक्टर तो नॉर्मल ऐसे आएगा क्योंकि ये टेंजेंट बनेगी, ये परपेंडिकुलर लाइन बनेगी एन, तो डीएस वेक्टर ऐसे, और ई वेक्टर कैसे आ जाएगा?
ई वेक्टर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, ठीक है, इट इज़ ग्रेजिंग अलॉन्ग द सर्फेस। तो यहाँ पे कितना एंगल आ जाएगा थीटा, यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई टू, ठीक है। और यहाँ पे ई डी एस वैक्टर तो आएगा, ई वैक्टर तो पहले की तरह से ऐसे सर्फेस के अलॉन्ग ग्रेज कर रहा है, सर्फेस को ऐसे स्क्रैच करके जा रहा है, कट नहीं कर रहा उस सर्फेस को। और डी एस वैक्टर ऐसे आ जाएगा परपेंडिकुलर ऐसे। तो कहीं पे भी आप कर्व्ड सर्फेस पे लोगे तो बेसिकली हम इसमें तीन पार्ट्स बना देते हैं, तीन पार्ट्स ऐसे आ जाएंगे बेटा देखना। इसको हम वन पार्ट बोलते हैं फर्स्ट सर्फेस, इसको हम सेकंड पार्ट ऑफ द सर्फेस बोलते हैं, इस कर्व्ड सर्फेस को आप थर्ड लगा दो रोमन न्यूमरल थ्री। सो देयर आर थ्री पार्ट्स टू द क्लोज सर्फेस, तीनों अलग अलग पार्ट्स के ऊपर अलग अलग एंगल्स हैं ई और डी एस वैक्टर के बीच में। तो ये जो सर्फेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी को हम सर्फेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो समवन आस्क्स यू टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यू कैन सिंपली डिफाइन लाइक दिस, द सर्फेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ सर्फेस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द सर्फेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ सर्फेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पुरानी बुक्स में मतलब जो पुराना स्टाइल है पढ़ने का वो ये है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कटिंग अक्रॉस अ सर्फेस हेल्ड नॉर्मली टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फील्ड लाइन वट एवर, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कटिंग अक्रॉस अ सर्फेस नॉर्मली। तो वो पुराने टाइम की डेफिनेशन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज नॉट अ क्वान्टिटेटिव कंसेप्ट। तो इन टर्म्स ऑफ दैट इसको हम नहीं डिफाइन करेंगे, ऐसे डिफाइन करेंगे सर्फेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप देखना इसको हम तीन पार्ट्स में स्प्लिट अप कर सकते हैं, ई डॉट डी एस ओवर फर्स्ट पार्ट इस पर, फिर ई डॉट डी एस ओवर सेकेंड पार्ट, ठीक है, ई डॉट डी एस ओवर द थर्ड पार्ट, ई डॉट डी एस ओवर द थर्ड पार्ट। तो तीनों पार्ट्स, अब यहाँ पे तो क्लोज था, ये ओपन एरियाज हैं सब तीनों अलग अलग पार्ट्स। अब इसमें आप निकाल लो बेटा कुछ नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के ऊपर आप देखो, इस पार्ट के ऊपर एवरीवेयर द एंगल इज पाई। तो हम लिखेंगे ई वेक्टर मैग्नीट्यूड डी एस वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 180 डिग्रीज, कॉस पाई माइनस वन होता है अगर याद नहीं है तो। सेकंड पार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो एवरीवेयर द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर इज जीरो, ठीक है। तो ये कॉस जीरो, ये वन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर कॉस जीरो आ जाएगा। और थर्ड पार्ट के ऊपर ई डॉट डी एस कितना आ जाएगा, थर्ड पार्ट के ऊपर ई डॉट डी एस जीरो आ जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। समझ में आपको? तो बिल्कुल ईजी है। अब आगे बताएंगे कैसे आएगा, आगे ऐसे आएगा कॉस पाई कितना होता है बेटा, माइनस वन, और ई यूनिफॉर्म है क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर जगह पे ई का मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ई बाहर चला जाएगा इंटीग्रल डी एस, और ये कॉस पाई माइनस वन है इसलिए माइनस साइन आ गया, ठीक है। अब ये वाले पार्ट में कितना आ जाएगा, इसको हमने जीरो क्यों किया मालूम पड़ गया ना, क्योंकि यहाँ पे कॉस 90 था, मैंने पूरा लिखा नहीं है इसको, कॉस पाई बाई टू ऐसे भी लिख सकते हैं, ई मैग्नीट्यूड डी एस मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 90 डिग्री, तो वो जीरो ही आ जाएगा हर पार्ट पे। अब इसको आप देखो, ये भी ई यूनिफॉर्म है तो ई बाहर चला जाएगा, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रल डी एस कॉस जीरो कितना होता है, वन। अब इंटीग्रल डी एस की वैल्यू मतलब ये वाला टोटल एरिया जो भी है, ये पाई आर स्क्वायर भी ले सकते हैं इसको, या ए भी ले सकते हैं, कुछ भी लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ई ए ले लेता हूँ मैं इस एरिया को भी, तो अगर इसका एरिया ए उसका भी तो एरिया ए आएगा, तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, जीरो। सो टोटल फ्लक्स कटिंग अक्रॉस दिस एरिया इज जीरो, ठीक है, इस तो ऐसे कर लेंगे। तो जनरली जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स करते हैं तो साइमल्टेनियसली मैं गॉस थ्योरम भी डिफाइन कर देता हूँ, सो अभी आज ही नहीं किया मैंने, कर दें दो मिनट लेके डिफाइन गॉस थ्योरम को। आप तो रेडी होके आए हैं, स्कूल जिनको जाना है उनको पहले ही रेडी होना चाहिए। यस, हर साल मीन पीपल डू इट लाइक दिस ओनली, दैट डे यू वांट टू गो टू द स्कूल, सो यू हैव टू गेट रेडी। चलो मैं एक बार बता देता हूँ बेटा आपको, ये तो इजी केस था। तो जनरली हम ना फर्स्ट डे में गॉस थ्योरम डिराइव करते हैं, मैंने अभी आपको 10 मिनट्स थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके सिखाया है हर बार के कंपेरिजन में। वेरी क्विकली आई विल एक्सप्लेन वट गॉस थ्योरम इज एंड देन वी कैन यूज़ इट टुमारो, ठीक है। तो उसको हम कल यूज़ करेंगे, यूज़ कल बता देंगे, स्टेट आज कर देते हैं गॉस थ्योरम को, व्हाट गॉस थ्योरम मींस। देखो, तो किसी भी सिचुएशन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पहले से है, सपोज देर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी गिवन सिचुएशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस की वजह से होगी। तो अब मान लो किसी सिचुएशन में मैं आपके पास कुछ चार्जेस दिखाता हूँ, सपोज ये कुछ चार्जेस हैं ऐसे, ठीक है, लेट्स से दिस इज क्यू वन चार्ज, दिस इज क्यू टू चार्ज, दिस क्यू थ्री, ठीक है, क्यू फोर, क्यू फाइव, ठीक है, क्यू सिक्स ज़्यादा ही बन गए, क्यू सेवन ऐसे ले लेते हैं। अब इनमें से कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे, ठीक है ना। नाउ सपोज अ गॉसियन सरफेस इज गिवन टू यू, ठीक है, सपोज मैंने आपको कहा कि ये गॉसियन सरफेस है आपको जो दिया हुआ है इस तरीके से, ये मैं आई एम जस्ट टेकिंग केयर कि ये ऐसे आ जाए, मतलब क्यू सिक्स के थ्रू गॉसियन सरफेस पास कर रहा है, ठीक है। तो अब ये एक
कैपिटल एस इज अ गॉसियन सरफेस एंड देर आर अ सर्टेन पॉइंट चार्जेस इन दिस सिचुएशन. सम ऑफ दिस चार्जेस माइट बी पॉजिटिव, अदर्स माइट बी नेगेटिव. ठीक है, तो अब हम कैसे करते हैं, देखो आई विल जस्ट स्टेट द गॉस थ्योरम बिकॉज इट कैन बी स्टेटेड इन वन लाइन वेरी इजिली. तो किसी भी सिचुएशन में अगर कोई भी गॉसियन सरफेस है लेट से एस, तो जो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस दैट सरफेस. अब यहाँ पे आप देखो इस सरफेस को सभी चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड्स कट करेंगी, इसकी भी कट करेंगी, इसकी भी, इन सब की, दे कैन कट अक्रॉस द सरफेस. तो यहाँ पे अगर हम कोई भी पॉइंट चूज करते हैं, सपोज हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट चूज करते हैं, हमें नहीं मालूम कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी, पर कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आएगी. यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इसकी भी आएगी, इसकी भी आएगी, इसकी भी आएगी, इसकी, इसकी, सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड. तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से यहाँ पे कुछ आ जाएगी. सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो सम आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड्स का, यहाँ पर ये पी पॉइंट है. अब इस पॉइंट के अराउंड अगर हम एक एलिमेंटल एरिया इमेजिन करें, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर, जो इस एरिया को रिप्रेजेंट करने वाली एरिया वेक्टर है, वो हो सकता है इस डायरेक्शन में, वी डोंट नो कि विच डायरेक्शन इट माइट बी. ठीक है, तो ये तो आपको मालूम ही है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा इस पूरे सर्फेस के ऊपर, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कटिंग अक्रॉस दिस सर्फेस, उसको हम सिम्बॉलिकली ऐसे दिखा सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कटिंग अक्रॉस दिस सर्फेस. अब जैसे अभी हमने प्रॉब्लम्स की थी तो उसमें ये एंगल थीटा की वैल्यू आपको नोन थी. अब क्योंकि ये तो आर्बिट्री सर्फेस है, इसमें आपको मालूम नहीं है कि एंगल थीटा अलग अलग जगह पर कितना आएगा, कहाँ पे जीरो आएगा, कहाँ पे 90 आएगा, वी डोंट केयर. सो ये तो जस्ट एक सिम्बॉलिक तरीका है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कटिंग अक्रॉस दिस सर्फेस. नाउ अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कटिंग अक्रॉस अ क्लोज सर्फेस. अब फ्लक्स तो हम किसी भी सर्फेस पे कंप्यूट कर सकते हैं, लेकिन गॉस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है इट इज ओनली मेंट फॉर क्लोज सर्फेसेस. सो यू कैन से गॉस थ्योरम अप्लाइज टू क्लोज सर्फेसेस ओनली. सो व्हेन वी कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सर्फेस, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स विदाउट एक्चुअली इंटीग्रेशन. हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, बिना इंटीग्रेशन के हम फ्लक्स निकाल सकते हैं. तो अभी हमने दो तीन केसेस किए थे, पॉइंट चार्ज, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिलेंडर को रख दिया, एंगल पे लाइन कट करी है, तो वो तो ओपन सर्फेस था. तो जब आप किसी भी क्लोज सर्फेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हो, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग इंटीग्रेशन, वी कैन स्ट्रेट अवे कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर दिस सर्फेस. ठीक है, बाय सिंपली राइटिंग द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन को ही गॉस थ्योरम बोलते हैं, थ्योरम्स आर मोस्टली इक्वेशन. तो ये है बेटा 1/ε0 टाइम्स, यहाँ पे आता है नेट एनक्लोज्ड चार्ज. ये जो मैं लिख रहा हूँ इसको हम कहेंगे नेट एनक्लोज्ड चार्ज, वी कॉल दिस एज द नेट एनक्लोज्ड चार्ज. सो अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कटिंग अक्रॉस अ सर्फेस, इसकी तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, दो ही साइड बना देते. द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कटिंग अक्रॉस अ सर्फेस, क्लोज सर्फेस, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कटिंग अक्रॉस अ क्लोज सर्फेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट एनक्लोज्ड चार्ज. अब जो मैंने आपको सबसे पहले पॉइंट चार्ज वाली प्रॉब्लम दी थी, उसमें आप ये थ्योरम को लगा कर देखो, जो सबसे पहले दिया था पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये दिया था ना, अभी यहाँ पे पॉइंट चार्ज रखा है, तो उसमें इस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज चार्ज कितना है, क्यू. ठीक है, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो. तो आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं थी. ठीक है, तो आप स्ट्रेट अवे फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ऐसे ही आ जाता, पता चल गया ना कौन सी प्रॉब्लम में बोल रहा हूँ, जो पहले दिया था जिसमें क्यू चार्ज सेंटर पे रखा होता है पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव चार्ज रखा होगा तो यहाँ माइनस क्यू आ जाएगा, अगर ये माइनस क्यू चार्ज है तो. ठीक है, तो नेगेटिव भी आ सकता है फ्लक्स. ठीक है, अब आप इसमें देखो बेटा, यहाँ पे एनक्लोज चार्ज का मीनिंग समझना है, फिर इसकी स्टेटमेंट खत्म. एनक्लोज चार्ज का मतलब है, देखो ये एनक्लोज चार्ज है, ये एनक्लोज चार्ज है. क्यू ई एन सी स्टैंड फॉर नेट एनक्लोज चार्ज, मतलब टोटल ये सब एनक्लोज चार्ज है. ये तो ऑब्वियसली एनक्लोज है ही नहीं, दिस आर नॉट एनक्लोज चार्जेस. वट अबाउट दिस क्यू सिक्स चार्ज जो यहाँ पे रखा हुआ है. ठीक है, इट इज़ लाइक ऑन दी सर्फेस ओनली, मतलब गॉसियन सर्फेस इसके अंदर से पास हो रहा है, ये तो इमेजिनरी है, कहीं से भी पास हो सकता है. क्यू सिक्स भी इनक्लोज चार्ज नहीं है, तो नेट इनक्लोज चार्ज ही आ जाएगा. नेट इनक्लोज चार्ज इज दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सो क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री एंड दिस इज क्यू फाइव, ये नेट इनक्लोज चार्ज आएगा. तो यहाँ पे क्यू इन सी की जगह ये आना चाहिए. तो गॉस थ्योरम विल हेल्प यू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विदाउट एनी इंटीग्रेशन, बट ये पर्पज नहीं, गॉस थ्योरम का मेन यूज कोई और है, ये तो एक छोटा सा यूज है टू फाइंड द फ्लक्स, यू कैन यूज गॉस थ्योरम, बट द मेन यूज इज समथिंग एल्स, वो आपको बताएंगे कि मेन यूज क्या है. ये आप देखना बेटा, अब सपोज मैं आपको कहता हूँ ये 2 μC है पॉजिटिव, ये -3 μC है नेगेटिव, ये 2 μC है पॉजिटिव और ये -6 μC है नेगेटिव. ठीक है, तो ये जो नेट इनक्लोज चार्ज आएगा इसमें ये एल्जेब्रिक सम है, मतलब सारे साइंस लेने पड़ेंगे, तो +2 μC Q1 आ जाएगा, Q2 कितना आ जाएगा -3 μC और
ये तो इनक्लोज चार्जेस है ही नहीं, ये भी इनक्लोज नहीं, जो सरफेस पे होता है वो भी इनक्लोज नहीं है, वो भी इसमें नहीं लेना आपको, डोंट टेक दैट कॉन्ट्रीब्यूशन। ये दोनों आ जाएंगे, कितने कितने आएंगे, माइनस सिक्स और फिर दूसरा कौन सा बचा, प्लस टू, तो ये ऐसे आ जाएगा नेट इनक्लोज चार्जेस प्लस टू। अब ये प्लस टू प्लस टू, फोर माइनस नाइन कितना आया, माइनस फाइव माइक्रो कूलम्स। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको माइक्रो कूलम्स को आप पहले कूलम्स में कन्वर्ट कर लो 10^-6 से, तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है, इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, डिवाइड बाई एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू 8.85 × 10^-12 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये फ्लक्स आ जाएगा इस सर्फेस के ऊपर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको सीखनी है, तो आज आप ये स्टेटमेंट मेमोराइज करके आ जाओ, ठीक है, गॉस थ्योरम की, फिर कल आपको इसका मेन यूज़ बताएंगे क्या होता है गॉस थ्योरम का, व्हाई वी यूज इट एंड स्टडी इट।